आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ध्यान रखना और मुझे मिस करना। लगा उसको अगले का हाथ हो मत तक यार। अच्छा बेटा ए वहां से हम जाएंगे इनके एक और गांव और फिर वहां से हम जाएंगे नर्मदा जी। नींद नहीं मिलेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज है 22nd ऑफ मई एंड आज मैं रिया की फैमिली के साथ 2 दिन के लिए भोपाल से बाहर जाने वाली हूँ। सो कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे ब्लॉग में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। जस्ट मैं अपना ब्रश करके आके यहाँ पर बैठी हुई हूँ, इसलिए ऐसे भटूरे जैसी शक्ल दिख रही है मेरी। बट मैं इतना जल्दी इसलिए उठी हूँ बिकॉज मुझे व्लॉग्स एडिट करने हैं, अपना कंटेंट एडिट करके ब्रांड को भेजना है। तो मुझे जाने से पहले सब कुछ निपटाना था ताकि आपको भी व्लॉग्स टाइम पे मिलते रहें और मेरे व्लॉग्स मिस ना हो अपलोडिंग में। तो इस चक्कर में मैं आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ ताकि मैं सारे काम टाइम से निपटा पाऊँ। हम दिन में निकलेंगे, अभी टाइमिंग फिक्स नहीं है, बट इसी चक्कर में मैंने अर्ली अपनी ट्यूशन्स भी रख लिए तो मुझे काफ़ी जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं। तो या जहाँ हम जा रहे हैं मेरे लिए काफ़ी न्यू होने वाला है, बट लेट्स सी कैसी जाती है हमारी ये 2 दिन की ट्रिप। आपको सारी अपडेट्स मिलेंगे तो कीप वॉचिंग दिस व्लॉग और अभी मैं आपको मिलती हूँ अपना व्लॉग एडिट करने के बाद। गाइस अभी तक में मैं अपने 2 ब्लॉग एडिट कर चुकी हूँ, टारगेट मेरा 2 ब्लॉग्स और का है। एटलीस्ट 1 ब्लॉग तो और मैं एडिट कर ही लूँ तो बेहतर होगा। मैं एडिट ट्रिप पे भी कर सकती हूँ या जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट कैरिंग माई लैपटॉप विथ मी तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा तो देन स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा और स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा तो आप लोगों को वहाँ के वीडियोज़ में कैसे दिखा पाऊँगी। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मैं यहाँ से एडिट करके डाटा ट्रांसफ़र करके जा सकती हूँ बेटर है। अभी मैंने एडिट करके अपलोड 1 ब्लॉग किया, अपलोड अभी मुझे 1 ब्लॉग और करना है और उसके बाद आई एम डन। उसके बाद थंबनेल वगैरह तो मैं ऑन द वे बना सकती हूँ बिकॉज इट्स अ रोड ट्रिप, मतलब हम बाय कार जाने वाले हैं तो आराम से मेरे पास टाइम रहेगा इतना कि मैं बना लूँ थंबनेल वगैरह, तो वो मैं वहाँ कर लूँगी। बट फिलहाल आई टुक शावर और आज हमें मंदिर की अच्छे से सफाई करनी है क्योंकि कल जो है वो कल पूर्णिमा है। मम्मी ने बोला है मंदिर को अच्छे से साफ कर देना। आई वाज लाइक ओके। सो या दैट्स हाउ माय डे इज गोइंग, लाइक मॉर्निंग इज गोइंग एंड मॉर्निंग इज सुपर प्रोडक्टिव तो आई एम हैप्पी। लेट्स डू पूजा नाउ। आज देखो मेरे कान्हा जी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इनको नज़र ना लगे मैंने इनको नई वाली ड्रेस पहनाया है, पूरा श्रृंगार किया है। कितनी प्रिटी लग रही है वाली ड्रेस इनके ऊपर, सुंदर। मंदिर में मैंने पूरा साफ करके सेट कर दिया है, चुनरी नीचे की बदल दी है, सिंहासन का नीचे का बदल दिया, ये कान्हा जी का नीचे चुनरी बदल दी है, सब साफ हो गया है, फूल भी चढ़ा दिए हैं। अब जस्ट मैं आरती करूँगी। पूजा इज डन। आज ब्रेकफास्ट में है उपमा। आई एम चेकिंग यू आफ्टर सम टाइम और यू गाइस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ट्यूशन पढ़ाने के बाद से, आज 11 बजे की ट्यूशन थी, ट्यूशन्स पढ़ाने के बाद से इट्स 1:30 एंड आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग। लाइक मैं साथ ही साथ पैकिंग भी करती जा रही थी एंड मेरा जो टारगेट था आज मैंने मॉर्निंग से 4 व्लॉग्स एडिट करके अपलोड भी कर दिए। अभी मुझे बस उसको शेड्यूल करना है और मैं उसके वो बना लूँगी थंबनेल्स वगैरह। बट उसके अलावा एक ब्रांड वीडियो एडिट भी हो गया, अपलोड भी हो गया और मतलब लाइक सुपर प्राउड फॉर माई सेल्फ। ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग यहाँ पे डन हो चुकी है,
जस्ट मुझे मेरा जो ये जो स्किन केयर वाला पाउच है इसमें से मेरे को सनस्क्रीन लगेगा अभी जाने से पहले, वो मैं कर लूँगी। ब्रश पैक करना है एंड खाना खाना है, खाना खा के मैं रेडी होना स्टार्ट करूँगी एंड आई विल बी डन, लाइक आई एम सुपर हैप्पी। गाइस आई गॉट रेडी और हम जा रहे हैं रिया की दादी के घर। वैसे रिया की दादी उसके साथ में ही रहती है बट हम रिया के गांव जा रहे हैं। तो मैं रिया के गांव क्यों जा रही हूँ, उसके तीन रीजन है। पहला रीजन है, इस क्यूटी को आप मेरे ब्लॉग्स में देखते रहते हो और ये रिया की चाची का लड़का है अभिराज, इसका मुंडन है तो इसके मुंडन के लिए वहां पर फंक्शन रखा गया है। जो सेकेंड रीजन है वो ये है कि बींग अ यूपी गर्ल मैं गंगा जी में तो बहुत बार नहाई हूँ बट इतने पास मतलब होशंगाबाद में नर्मदा जी बहती है और मैं भोपाल में रहती हूँ अभी तक नर्मदा जी में कभी भी नहीं नहाई हूँ। तो मुझे इस बार मौका मिल रहा था नर्मदा जी में नहाने का क्योंकि इनका जो पूरा समाज है, जो रघुवंशी का पूरा समाज है ना रघुवंशी का, वो पूरा इनके गांव साइड में एक साथ रहता है। तो इन्होंने जो फंक्शन रखा है ना वो सारे के सारे नर्मदा जी पे आने वाले हैं और पूरा फंक्शन नर्मदा जी के पास ही होने वाला है। तो मेरे पास ये चांस मुझे मिला, ये मौका मिला कि नर्मदा जी में स्नान कर सकती हूँ। तो आई वॉज लाइक कि ये मौका मैं कैसे जाने दूँ। तो ये दो रीजन है। जो तीसरा रीजन है ना वो थोड़ा टाइम बेस्ड है, अगर हमारा टाइम सही मैच होता है और वो रिटर्न में होगा तो अगर वो होता है तो आई विल शेयर, अगर नहीं होता है तो लेट्स सी। बट ये दो मेन कारण थे इस चीज के। तो मुझे मौका मिला और इन लोगों ने बोला कि सिर्फ दो दिन का ही ट्रिप है, हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं बिकॉज यहाँ से आई थिंक 2 या 2.5 घंटे का ही रास्ता है, इससे ज्यादा दूर नहीं है वो और दो दिन की बात है। तो चलो, तो फिर आई वॉज लाइक ओके लेट्स गो। तो ये रीजन है और इसलिए हम जा रहे हैं और मैं पहली बार वहां जाने वाली हूँ, मेरे लिए बहुत नया है। मतलब मैं अपनी फैमिली फंक्शंस के अलावा ऐसे कभी किसी और की फैमिली में ऐसे गई नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई घर पर रहता है और इस बार मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे लिए सब नए होने वाले हैं। तो थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही है बट लेट्स सी, लेट्स एक्सपीरियंस दिस। मुझे तो बस नर्मदा जी में नहाना है, मतलब बस वो चीज और हो जाए। तो आई थिंक ये 2024 की फर्स्ट है जब मैं ऐसे कहीं बाहर जा रही हूँ, लेट सी सब कुछ अच्छे अच्छे से जाए। एंड ऑल्सो आई एम वेयरिंग दिस टॉप क्योंकि कॉटन है, कंफर्टेबल है, हम बाय कार जाने वाले हैं तो उसके लिए भी इजी ब्रीजी रहेगा, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया है। आई एम ऑलमोस्ट रेडी, मतलब मैं पूरी ही तरीके से रेडी हूँ, मैंने बैग भी पैक कर लिया है एंड सब कुछ रख लिया है। बस अभी उनका कॉल आया था और हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं एंड आपको साथ में लेके चलती हूँ, सारी अपडेट्स दूंगी कैसा रहता है, क्या क्या होता है, आप भी मेरे साथ सब कुछ एक्सपीरियंस करिएगा एंड हम खूब सारे एंजॉय करेंगे। ध्यान रखना मुझे मिस करना, ठीक है करोगी? क्या होता है बोलो, हाँ करूंगी। गाइज मेरे जाने पे आसमान रोने लगा है, बारिश होने लगी है, अभी बूंदाबांदी स्टार्ट हुई है बट हो रही है। गाइज सिम्बा इज आल्सो गोइंग विद अस। मम्मी के साथ आओगे? आ रही हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? मत हाथ मत लगा उसको, मत लेगा हाथ वो। मत लग यार, अच्छा बैठ चल। बदला लेगा वो अभी धीरे से, जब तुझे तो पता नहीं चलेगा तब। मम्मी ये कनेक्ट कर लो ब्लूटूथ। गाइस सिम्बी की ये पहली ट्रिप है तो सिम्बी ने पहले स्टार्टिंग में बहुत परेशान किया, फाइनली सेटल हो गया ये खिड़की के पास में। अब गाड़ी रुकी है तो भौंक रहा है। हम जा रहे हैं, पहला स्टॉप पड़ता है काली जी का मंदिर तो दर्शन कर लेते हैं। सिम्बा मुझे नहीं देखना है कैमरे में, देखना है सिम्बा। तवा डैम, हाँ तवा डैम के बारे में सुना है बट मैं कभी इस साइड आई। ऐसा बोलते हैं कि तवा नर्मदा जी से शादी करना चाहते हैं तो नर्मदा जी ने उसको लाद मारी, वो छल्ली छल्ली हो गया इसलिए वो इतना बड़ा हो गया। हाँ इसलिए।
ये है रिया की मम्मी जिन्होंने हमें पूरे गाड़ी में जो ट्रक के गाने जो बस के गाने जो ना बजे वो हाय गाइस गाइस रिया की मम्मी मुझे उनका गांव घुमाने ले जा रही है ससुराल Simba don't want healthy. इसलिए Simba is having Parle जी. Guys हम पहुंच गए हैं. पता नहीं कहाँ but हम पहुंच गए. Guys ये मेरे पापा के सबसे छोटे वाले चाचा जी का घर है. मतलब इसके दादा का घर. मेरे दादा का घर. हाँ. हम इसके दादा के पहले दादा के घर पहुंचे. हाँ. यहाँ से. यहाँ से. वहाँ. मंचुपुर के घर पे. मतलब बहुत जगह जाना है आप तो बस देखते जाओ मैं कहाँ जा रही हूँ बाकी मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं अब हम कहीं तो जा रहे हैं कहीं नहीं जा रहे हैं मंजू बुआ अच्छा जो इसकी बुआ हमारे साथ है हम उनके घर जा रहे हैं पास में मतलब हमारे इधर तो रहना यहाँ है कि यहाँ सोने अपन यहीं है बड़ा कंफ्यूजिंग है गाइस सब आ रहे हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस ये छत से उधर चली गई मेरे को भी बुला रही है मैं नहीं जा रही इतना गैप है आगे तो हाथ पकड़ के ना ना भैया देखो हाथों में बताती हूँ कैसे आना है मैं नहीं मेरे को आना ही नहीं मैं नहीं आऊंगी तू इधर आ वापस बस ये शर्ट दिख रही है अब दिख रही है ज्यादा दूर हो गई थी चलो यार स्वाति जी उस था तो तुम्हें भाई का दिखेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी और क्या क्या किस चंद्रमा देखो किस किस का कौन सा जितना मुझे समझ में आया है अभी आगे यहाँ से प्लान ऐसा है कि इनका एक और गांव है वहाँ जाना है वहाँ से ये दादाजी का घर है हाँ ये दादाजी का घर है ये दादी जी के घर जाएंगे मतलब इनकी दादी के मायके और वहाँ से प्लान ये बन रहा है कि वहाँ से डायरेक्ट हम गंगा जी निकल जाएंगे गंगा जी नहीं है नमक दादी सॉरी अरे गंगा जी भैया नर्मदा जी आई हुए हैं तो नर्मदा जी जाएंगे वहाँ नर्मदा जी जाएंगे हम वहाँ से तेरे चक्कर में नर्मदा जी बोलने लगी हूँ मैं नर्मदा जी जाएंगे हम ये प्लान है हमारा अभी अब मुझे नहीं पता ये कब तक एग्जीक्यूट होगा फिलहाल अभी ज्यादा टाइम नहीं है 9 बजे बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि 10-11 बज रहे हैं क्योंकि गाँव के लोग सब खेत चले जाते हैं इतने बजे खा पी के सबके गेट ऑलमोस्ट बंद थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी बहुत अर्ली है मतलब हमारे घर में तो इतने बजे खाना बनना शुरू होता है तो ये प्लान है कुछ और प्लान कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है I don't know. So, अच्छा आपको कैसा लग रहा है यहाँ ये बताओ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा अभी सब रात है ना तो कुछ ऐसा फील नहीं आ पा रहा मतलब मैं आई मैंने बढ़िया खाना खाया खाना खा के सच्ची मुझे बहुत भूख लगी थी खाना खा के सब मेरा पेट मन सब संतुष्ट हो गया मस्त खाना खाया पूजा भाभी ने आते ही सब्जी बनाई थी रोटी खाई हमने मस्त और अभी हम बस वेट कर रहे हैं कि हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं मेरे लिए तो सब कुछ एकदम नया है और पता है जितने भी लोग इनके यहाँ पे जितने भी लोगों से मैं अभी मिल रही हूँ ना मैं उन सबको जानती हूँ मैं उन सबसे मिल चुकी हूँ वो सब इनके घर आए हुए हैं मैंने उन सबको देखा था कुछ नया लग ही नहीं रहा है कि यार मैं कुछ नया कल जब नर्मदा जी भी जाऊँगी वहाँ इतने ढेर सारे लोग दिखेंगे तब मुझे थोड़ा एंजाइटी इफेक्ट आएगा कि यार इतने सारे लोग दिख रहे हैं किसको क्या मेरे को तो नमस्ते भी नहीं निकल पाया किसको नमस्ते करूँ किसको यहाँ किसको नहीं किसी को नहीं देखना नर्मदा जी में लोग आ रही नहीं है इसमें हाँ सही में मेरे को समझ ही मंजू हुआ के पापा है आपने उनको नमस्ते भी नहीं बोला मेरे को पता क्या लगा मंजू हुआ मंजू के पापा को देख के कि प्रिया हुआ के प्रिया के पापा इतने जल्दी वहां से यहाँ कैसे आ गए जी नहीं वो मंजू हुआ के पापा उनको लग रहा होगा कि मैं कितने संस्कार ही नहीं मेरे को समझ ही नहीं संपत्ति नहीं पड़ा बेटा भी क्या कर सकते हैं कल तो किसी को देखने ही नहीं है कल तो जो डुबकी मांगनी है डुबकी पर डुबकी मांगनी है बस बात लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग मुझे अभी दिख रहे हैं ना उन सबको मैं पहले देख चुकी हूँ तो मुझे कुछ वो भी आपको सब पहले देख चुके हैं मुझे कुछ भी नया नहीं लग रहा गाइस सब कुछ सेम सेम लग रहा है जब नया लगेगा मैं आपको बताऊंगी आज इस गद्दी के साथ सोना है मेरे को ऐसे भी मेरे ही साथ सोई थी जब एक बार आंटी लोग सब गई थी
हाँ राइट, मेरे तो वो मेरे घर पे था ना, अब वो भी दे दिया, अब मेरे घर पे हो गया, अब बिल्कुल इसके साथ सोना है गाइस। यस गाइस, बज चुके हैं रात के 12 और अभी तक हम इधर ही हैं। अभी आधे लोग ट्रॉली से निकल चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं गाड़ी से जाने का। ये रघुवंशी इज हेयर, आज लगता है स्लीप की तो बाट लगने वाली है, नींद तो नहीं मिलने वाली है, कल ऊँघे हुए सुबह नजर आएंगे हम। अभी यहाँ से हम जाएंगे इनके एक और गांव और फिर वहाँ से हम जाएंगे नर्मदा जी, नींद नहीं मिलेगी। और जब हम पहुँचेंगे मुझे लगता है सब बोलेंगे नहा लो नहा लो नहा लो, अब सोने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। दो घंटे ढाई घंटे तो लगेगा ही लगेगा, 12 तो बज ही रहे हैं, निकले अभी तक हम हैं नहीं है। 4 बजे तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त, अब आई हूँ तो ब्रह्म मुहूर्त में नहा ही लूंगी। या तो सो लो या तो नहा लो, दोनों में दोनों नहीं हो सकता। गाइस इस व्लॉग को इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में। आपको ही 2 घंटे नहीं लगेंगे, सारी अपडेट्स आपको मिलेगी कल की, और कल बहुत बड़ा दिन है, मैं आपको कल सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। बाकी हम मिलते हैं कल, बाय बाय बाय। कल फिर आइएगा।